पोजीशन पर हमारे पास जियो है तो क्या आ जाएगा, जियो अपॉन टेन, कुछ भी हो सकता है, जियो होता है तो जियो अपॉन टेन कर दो, कोई वैसे नंबर होता है नेचुरल नंबर होता है तो उसके अपॉन में टेन कर दो। हंड्रेड पोजिशन पर भी हमारे पास जियो है तो हंड्रेड पोजिशन पर भी क्या आ गया, जियो अपॉन हंड्रेड। थाउजेंड पोजिशन पर हमारे पास एट है तो थाउजेंड पोजिशन पर क्या आ जाएगा, एट अपॉन वन थाउजेंड, क्या आ जाएगा, एट अपॉन वन थाउजेंड। ठीक है, ये करेंगे दो मल्टीप्लाई बेटा कुछ। सर हमारी अगली क्लास स्टार्ट हो गई। अभी कहाँ से स्टार्ट हो गई बेटा, 7:55 तक है ये क्लास है। 7:55 लो, हाँ 7:55 तक है बेटा, 7:15 से 7:55, ठीक है 8 बजे स्टार्ट होगी अगली क्लास। 4 की मल्टीप्लाई 100 से की, 5 की मल्टीप्लाई 10 से, 7 की मल्टीप्लाई 1 से आ गया। जियो की मल्टीप्लाई जब 1 अपॉन 10 से करेंगे, या फिर ये बोल सकते हैं जियो को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, जियो के इक्वल आएगा। जियो को चाहे 100 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, हमेशा वो किसके इक्वल होगा, जियो के इक्वल होगा। तो ये जियो प्लस जियो और ये एज इट इज आ जाएगा 8 अपॉन 1000, ये क्या हो जाएगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है तो बेटा माइक बंद रखो, 6020.409, 6020 हमारे पास होल नंबर है तो 6020 की हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। 6 हमारे पास 1000 पोजीशन पर है, 6 मल्टीप्लाई 1000, उसके बाद जियो 100 पोजीशन पर है, जियो मल्टीप्लाई 100, 2 हमारे पास 10th पोजीशन पर है तो मल्टीप्लाई 10, और फिर जियो हमारा 1 पोजीशन पर है, जियो मल्टीप्लाई 1। होल नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म हमने लिख दी। होल नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के बाद हम लिखेंगे डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स की एक्सपेंडेड फॉर्म, 409.409। 4 हमारे पास 10th पोजीशन पर होगा तो इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, जियो हमारे पास 100th पोजीशन पर होगा तो इसको डिवाइड करेंगे 100 से, 9 हमारे पास 1000th पोजीशन पर है तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 मतलब 4 अपॉन 10, जियो को चाहे किसी नंबर से डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई कर दो वो क्या बनेगा, जियो बनेगा, और ये क्या बन जाएगा 9 अपॉन 1000, ये 9 अपॉन 1000, ये क्या होगा इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 7th क्वेश्चन, वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। 7th क्वेश्चन जो हमारा है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है, कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, एक्सपेंडेड फॉर्म से हमें इसको डेसिमल फॉर्म में बनाना है, एक्सपेंडेड फॉर्म से डेसिमल फॉर्म लिखनी है। सबसे पहले देखो 500 + 30 + 6 + 1 upon 10 + 5 upon 100 + 2 upon 1000, ये 500 है, 500 का मतलब हो जाएगा 5 × 100, मतलब ये 100 पोजीशन पर आ जाएगी, 100 पोजीशन पर आ जाएगी, तो 5 कहाँ गया, 100 पोजीशन पर। उसके बाद थी बेटा माइक बंद कर लो प्लीज, एक मिनट बची है, इसको भी आप ऐसे वेस्ट करवा दोगे। देखो 500 मतलब 5 × 100, ये 100 पोजीशन पर आएगा, तो 5 हमारे पास 100 पोजीशन पर आ गया। उसके बाद 3 × 30 का मतलब क्या हो गया, 3 × 10 मतलब ये 10th पोजीशन पर आ गई, और 6 × 1 ये 1th पोजीशन पर आ गया, 5, 3, 6 ये हमारे पास होल नंबर बन गया। उसके बाद डेसिमल पॉइंट 1 upon 10 है, 1 upon 10 का मतलब 10th डिवाइड में 10 है, ये तो हमें ये बताता है ये 10th पोजीशन पर है, ये किसके डिवाइड में है, 1 के, मतलब 10th पोजीशन पर हमारा क्या आ जाएगा 1। 5 upon 100 है, 100 का मतलब तो ये हो गई 100th पोजीशन पर है, किसकी, 5 की, तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा।